महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे मैं सोचता हूँ बता देना चाहता हूँ। ठीक, तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। देखिए, बिजली की आग बुझाने के लिए जो विद्युत से लगी आग होता है, ठीक है, इसको बुझाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ऐसा हम अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जिसमें जल यानी कि पानी का, वाटर का प्रयोग नहीं किया गया हो, वाटर का प्रयोग नहीं किया गया। तो जैसे सबसे पहला हमारा ऑप्शन है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र है, इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पानी युक्त अग्निशामक यंत्र है, इसमें पानी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, केमिकल वाला अग्निशामक यंत्र है, तो इसमें कंफर्म ये नहीं दिया गया है कि कौन से केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो CTC केमिकल वाला होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला जो होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड वाला जो आपको होगा, उसमें केवल आपको क्या होगा, मतलब उसका प्रयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए CTC हो गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद एक होता है ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र हो गया। ठीक है, ये सबसे हम लोग बिजली से लगी आग को बुझा सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास सूखा बालू है, सूखा बालू है, उससे भी आप बिजली से लगी आग को बुझा सकते हैं, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का झटका लगने पर क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि व्यक्ति के हाथ को पकड़ कर छुड़ाना चाहिए, नहीं, हाथ को पकड़ कर कभी नहीं छुड़ाना चाहिए। व्यक्ति को चाय देना चाहिए, नहीं, लिक्विड नहीं देना चाहिए। डॉक्टर के आने तक प्रतीक्षा करे, ये भी नहीं करना चाहिए। खुद को आइसोलेट कर व्यक्ति को विद्युत से अलग करिए, ये आपका सही है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जिसे है विद्युत के संपर्क में आ गया है, तो उसे छुड़ाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए मेन स्विच ऑफ किया जाता है। सबसे पहला काम है आपको मेन स्विच, मुख्य स्विच जो होता है उसे बंद करना है। अगर नज़दीक में मान लीजिए आपका मेन स्विच नहीं है, तब क्या करेगा, मेन स्विच नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को इंसुलेट हो जाना है, मतलब अचालक हो जाना है अपने आप को। जैसे मान लीजिए कि आपका लकड़ी है, मतलब लकड़ी का टेबल उबल है, लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का टुकड़ा है सूखा, या कोई भी अचालक पदार्थ हो गया, जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक का टेबल है, या मान लीजिए कि रबर का चटाई भी होता है। ठीक है, तो कोई भी अचालक पदार्थ पर खड़े होकर अपने आप को इंसुलेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि जिसे जिस व्यक्ति को मतलब झटका लगा है, उसको या तो किसी अचालक पदार्थ से हटाइए, किसी अचालक पदार्थ से, या उसका ढीला कपड़ा है, ढीला कपड़ा है अगर, तो उस कपड़ा को पकड़ के खींचिए। क्या करना है, कपड़ा को पकड़ के खींचना है, ऐसे हाथ से पकड़ कर नहीं खींचना है, नहीं तो आप भी क्या करिएगा, विद्युत के संपर्क में आ जाइएगा। ठीक है, तो बचाव के लिए समझदारी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज बदलने से पहले क्या सावधानी अपनाना चाहिए। सर्किट में लगे सभी स्विच को ऑन कर देना चाहिए, नहीं, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हाँ, मोटे तार का फ्यूज लगाए ताकि दोबारा ना जले, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यदि आपको फ्यूज बदलना है, तो सबसे पहले ये ध्यान में दिया जाता है कि मेन स्विच ऑफ कर देना है। फ्यूज बदलने से पहले मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि देखिए फ्यूज जब आप लगाते हैं ना, तो उस समय स्पार्किंग होता है। ठीक है, या मान लीजिए कि आप अगर फ्यूज बदल रहे हैं, तो पहले क्या दिक्कत था कि फ्यूज जल गया, मतलब फ्यूज क्यों जल गया, ये तो आपको पता नहीं है। ठीक है, ये पता आपको नहीं है कि फ्यूज जल गया, ठीक है, क्यों जला है ये नहीं पता है। तो क्या है कि जैसे ही आप फ्यूज लगाइएगा, उस समय हो सके शॉर्ट सर्किट होगा कहीं, तो तुरंत आपका क्या होगा, फ्यूज वायर जल जाएगा। उस समय आपको उच्च स्पार्किंग उत्पन्न होगा, उच्च स्पार्किंग मतलब चिंगारी उत्पन्न होगा, तो फिर आपको क्या है, दुर्घटना हो सकता है, आपके साथ
दुर्घटना हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि मेन स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद फ्यूज लगाया जाता है, फिर मेन स्विच को ऑन किया जाता है। उस समय आप फ्यूज के नज़दीक नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे नज़दीक, तो स्पार्किंग यदि होता है तो आपको दुर्घटना नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान में देना है। और जो पहले जितना पतला वायर लगाया गया था, पहले जितना पतला वायर था उतना ही पतला फिर दोबारा भी लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच को कौन सी तार में लगाया जाता है। देखिए स्विच जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, स्विच हो जाए या फ्यूज हो जाए या MCB जिसे हम कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो याद रखिएगा स्विच, फ्यूज और MCB तीनों को हमेशा फेज वायर के सीरीज में लगाते हैं। फेज मतलब हो जाता है लाइव वायर, लाइव लाइव वायर का मतलब आप कहीं कहीं आपको लाइव वायर भी दे देता है, ठीक है, लाइव तार, तो कहने का मतलब है कि फेज वायर होता है, ठीक है। तो फेज वायर के सीरीज में, किसमें सीरीज में, पैरेलल में नहीं, सीरीज में स्विच जुड़ता है, फ्यूज जुड़ता है और MCB, याद रखिएगा स्विच, फ्यूज, MCB हमेशा फेज या लाइव वायर के सीरीज में जुटता है, ठीक है। कह रहा है कि न्यूट्रल वायर के सीरीज में नहीं, अर्थ वायर के सीरीज में नहीं, फेज वायर के सीरीज में, ठीक है, फेज तथा न्यूट्रल के पैरेलल में। देखिए फेज और न्यूट्रल के पैरेलल में आपको कौन जुटता है, इंडिकेटर जो होता है वो जुटता है, याद रखिएगा इंडिकेटर जो होता है, ठीक है, सूचक जिसको बोला जाता है इंडिकेटर, ये फेज तथा न्यूट्रल के पैरेलल में जुटता है। अगला है कि बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए। देखिए जो बैटरी होता है, बैटरी जो होता है इसमें हम क्या होता है कि H2SO4 मतलब घोल प्रयोग करते हैं, ये क्या है एक प्रकार का समझिए एसिड रहता है, एसिड है, एसिड मतलब अम्ल हो जाता है, ठीक है, तो H2SO4 इसमें घोल या और भी अलग अलग प्रकार के केमिकल प्रयोग किया जाता है, एसिड प्रयोग किया जाता है। तो जब बैटरी क्या होता है कि चार्ज होता है, ठीक है, तो बैटरी से क्या है आपको हानिकारक गैस निकलता है, क्या निकलता है गैस, हानिकारक मतलब जहरीला गैस निकलता है, ठीक है, हानिकारक निकलता है। तो उस गैस को बाहर निकलने के लिए क्या किया जाता है कि जहाँ पर बैटरी चार्ज किया जाता है, जहाँ पर आप बैटरी चार्ज करिएगा ना, उस रूम को खुला रखा जाता है, हवादार रखा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिना छत का, बिना छत का नहीं रखना चाहिए, ऊपर से पानी गिरेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, पूरी तरह से बंद भी नहीं रखना चाहिए, 2 मंजिला 3 मंजिला से कोई मतलब नहीं है, आपको पूरी तरह से हवादार होना चाहिए बैटरी चार्जिंग रूम, क्या होना चाहिए पूरी तरह से हवादार होना चाहिए। अगला है यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। देखिए तेल, पेट्रोल या बिजली है, तीनों में आपको पानी का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तेल पेट्रोल जो है वो तो फोम से बुझ जाता है, फोम यानी कि झाग, ठीक है, कि तेल पेट्रोल जो है उसकी आग को हम फोम से, फोम यानी कि झाग वाले अग्निशामक यंत्र से बुझा सकते हैं, मगर बिजली वाले में झाग भी नहीं चलेगा क्योंकि झाग वाले अग्निशामक यंत्र में क्या होता है पानी होता है, तो ये बिजली वाला में नहीं होगा। आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है, फोम टाइप है, CTC है, जल युक्त अग्निशामक यंत्र है। देखिए फोम टाइप और जल युक्त छोड़ के यहाँ पर आपको समझिए कि दोनों से आप बुझा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और CTC दोनों से तेल, पेट्रोल या बिजली की आग को बुझा सकते हैं। कह रहा है कि यदि लकड़ी, गत्ता, कपड़ा में आग लगी हो तो निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए लकड़ी है, गत्ता है, कपड़ा है, यानी कि तीनों जो है क्लास ए, अगर लकड़ी, गत्ता, कपड़ा में आग लगता है तो ये क्लास ए का मतलब फायर होता है, आग होता है, ये किस क्लास का आग है, ए, ए के आग को हम बुझाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, पानी का, जल का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सोडा एसिड टाइप अग्निशामक यंत्र होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई विद्युत परिपथ विवृत परिपथ हो, देखिए विवृत, विवृत का मतलब होता है ओपन सर्किट,
क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ठीक है। तो विपरीत परिपथ हो तो वोल्टता होगी। देखिए, जब आपका मान लीजिए कि ओपन सर्किट है, यानी कि उस पर कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है, तो उस समय आपका जो वोल्टेज होगा वो अधिकतम होगा, ठीक है। कितना होगा? अधिकतम। देखिए, यही अगर यहाँ पर सीरीज देता, सीरीज जनरेटर एक होता है डीसी में, अगर सीरीज जनरेटर की बात आ जाती तो वहाँ पर जीरो हो जाता। कि सीरीज जनरेटर में क्या होता है कि अगर लोड नहीं जुड़ा हुआ है तो उसका वोल्टेज आपका समझिए कि जीरो रहेगा, ठीक है। अगला है कि प्रदीप्ति की इकाई होती है। देखिए, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन होती है। प्रदीप्ति की इकाई ल्यूमेन होती है। कह रहा है कि उस परिणामित्र का फेरा अनुपात क्या होगा जो 1500 वोल्ट से 30 वोल्ट का रूपांतरण करता है। देखिए, यहाँ पर भी पी हो जा रहा है आपका 30 वोल्ट और भी एस हो जा रहा है 30 वोल्ट बोले, भी पी हो गया आपका कितना 1500 वोल्ट, ठीक है, और भी एस यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज हो जा रहा है 30 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए, के यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में जब आप जाइएगा तो इसमें होता है भी एस बाई भी पी, ठीक है। तो भी एस हो गया आपका 30 वोल्ट और भी पी हो गया 1500, 1 0 से 1 0, 3 से 50, यानी कि देखिए 1:50 जो आपका हो रहा है, ये देखिए ये जो है आपका वोल्टेज अनुपात है, क्या है? वोल्टेज अनुपात आपका है 1:50। यहाँ पर पूछा जा रहा है फेरा अनुपात, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी कि टर्न रेशियो पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? टर्न रेशियो। तो देखिए, टर्न रेशियो जो होता है उल्टा हो जाएगा इसका, कि जिधर टर्न ज़्यादा है उधर वोल्टेज मतलब कम रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा भले। जैसे 1:50 है तो इधर टर्न ज़्यादा है तो इधर वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और इधर टर्न कम है तो इधर वोल्टेज कम रहेगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अब देखिए, जैसे प्राइमरी में ये टर्न हो जाएगा, सेकेंडरी में ये टर्न होगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा 50:1, वोल्टेज अनुपात का उल्टा हो जाएगा टर्न अनुपात, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 50:1, 50:1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि एकल कला प्रेरणी मोटर में लगा हुआ घूर्णक किस प्रकार का होता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि सिंगल फेज जो मोटर होता है, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देखिए एकल मतलब सिंगल हो गया, कला मतलब फेज हो गया, प्रेरणी मोटर मतलब इंडक्शन मोटर हो जाता है, ठीक है। एकल कला प्रेरणी मोटर में लगा हुआ, देखिए घूर्णक, घूर्णक का मतलब हो जाता है रोटर, रोटर को क्या कहा जाता है? घूर्णक कहा जाता है, याद रखिएगा, रोटर को घूर्णक कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर कौन सा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है या थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हम स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर का स्क्यूरल केज रोटर का प्रयोग किया जाता है। स्क्यूरल केज रोटर क्या होता है? आपका दो रिंग ऐसे हो गया और इसको मोटा मोटा तार से शॉर्ट किया हुआ रहता है, क्या रहता है? शॉर्ट किया हुआ रहता है। ये गिलहरी के पिंजरा की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसके स्क्यूरल केज गिलहरी पंज कहते हैं। स्क्यूरल केज हिंदी में इसको कहा जाता है गिलहरी पंज, गिलहरी पंज यानी कि पिंजरा, ठीक है। तो ये स्क्यूरल केज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आप थ्री फेज में जाइएगा तो एक आपका हो जाता है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, जिसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग वाला ये रोटर प्रयोग करते हैं, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, यहीं पर पूछ दे स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, तो उसमें आपका वाउंड वाला प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ कर रहा है स्क्यूरल केज वाउंड, वाउंड का मतलब होता है जिसमें वाइंडिंग किया गया हो, मगर स्क्यूरल केज में क्या होता है कि वाइंडिंग नहीं किया हुआ रहता है, दोनों ये जो छल्ला होता है, रिंग होता है, इसको मोटा मोटा तार से शॉर्ट किया हुआ रहता है, या समझे कि एक ढलैया ही किया हुआ रहता है, ठीक है, कहीं कहीं छोटा छोटा मशीन में ढलैया किया हुआ
रहता है, तो ये स्क्यूरल केज रोटर कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा किसे दर्शाती है। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा किसे दर्शाता है। देखिए फ्लेमिंग का जैसे बायां हाथ जो ये नियम होता है, ठीक है, बाएं हाथ में आपको ये हो गया अंगूठा, ये जो फर्स्ट फिंगर होता है जिसे फोर फिंगर कहा जाता है, फोर फिंगर, इसी को हिंदी में तर्जनी उंगली कहा जाता है, ठीक है। फिर ये बीच का उंगली जो होता है, बीच की उंगली को हम मध्यम उंगली या मिडिल फिंगर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम होता है, इसमें ये जो मध्यम है, ये जो बीच की उंगली है, ये आपको दी जाने वाली धारा की दिशा दर्शाएगा। मतलब मोटर है, मोटर में दी जाने वाली धारा की दिशा मिडिल यानी कि मध्यम फिंगर दर्शाता है, ठीक है। फिर आपका जो ये तर्जनी है, तर्जनी जो उंगली होता है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाता है। ये जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। तब जाके जो अंगूठा है, ये चालक पर लगने वाला बल की दिशा को दर्शाता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो फ्लेमिंग का बायां हाथ है, बायां हाथ जो होता है वो मोटर से संबंधित होता है, एक दायां हाथ होता है जो जनरेटर से संबंधित होता है, बायां हाथ जो है वो मोटर से संबंधित है, अंगूठा जो है चालक पर लगने वाला बल को दर्शाता है, तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और जो बिचला फिंगर है, मध्यम फिंगर है, मिडिल फिंगर है, वो दी जाने वाली धारा यानी कि करंट की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में प्रोत्कर्ष टंकी सर्ज टैंक होते हैं। देखिए सर्ज टैंक कहने का मतलब होता है एक टैंक बनाया हुआ रहता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो जब पानी की बात आती है तो ये जल विद्युत संयंत्र होता है। जल विद्युत संयंत्र में क्या किया जाता है कि सर्ज टैंक होता है जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर यहाँ से पाइप की सहायता से, ठीक है, टर्बाइन पर, जो टर्बाइन आपका होता है ना, ये टर्बाइन हो जाता है, टर्बाइन पर आपका पानी को गिराया जाता है जिससे आपका टरबाइन घूमेगा, फिर इससे क्या होता है जनरेटर जुड़ा हुआ रहेगा, ये जनरेटर घूमेगा और बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो सर्ज टैंक या प्रोत्कर्ष टंकी जो होता है ये आपका जल विद्युत संयंत्र में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ बैटरी इन सब स्टेशन इज टू प्रोवाइड। देखिए सब स्टेशन जो होता है, ठीक है, PSS बोला जाता है या GSS बोला जाता है, पावर सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 220 kV सप्लाई को 110 या 120 kV में बदला जाता है, या मान लीजिए कि 110 को 33 kV में बदला जाता है, वो हो जाता है GSS, और जो 33 को 11 kV में बदलता है वो हो जाता है PSS, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी प्रयोग की है, देखिए PSS हम जानते हैं, PSS जो होता है इसमें बैटरी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपका 30 वोल्ट का, याद रखिएगा 30 वोल्ट का बैटरी प्रयोग किया जाता है PSS में, ठीक है। तो ये बैटरी जो होता है ना, ट्रिपिंग के लिए और सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जाता है, कि जो ये आपका जो VCB होता है, VCB मतलब हो जाता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसमें जो ट्रिपिंग क्वाइल होता है, जो रिले होता है, जो मान लीजिए कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं वायर में कुछ संपर्क करता है, पैर गिर जाता है, तो उस समय VCB क्या करता है कि सप्लाई को बंद करता है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, रिले होता है। तो ये जो रिले होता है ये क्या है, चुंबक होता है एक प्रकार का, समझिए। तो इसको चाहिए 30 वोल्ट की DC या चाहिए 30 वोल्ट की DC, तो वहाँ पर बैटरी प्रयोग किया जाता है 30 वोल्ट। तो वही है
वोल्टेज रेगुलेशन के लिए नहीं, इमरजेंसी लाइटिंग के लिए नहीं, पावर टू ट्रिप द सर्किट, तो यानी कि सर्किट जो ट्रिपिंग सर्किट होता है उसके लिए पावर चाहिए, किससे, बैटरी के लिए, इसलिए हम बैटरी का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं कि द इंडक्शन मोटर विच हैज द हाइस्ट पावर फैक्टर ऑन ऑपरेशन एट फुल लोड, कह रहा है कि फुल लोड पर कौन से मोटर का पावर फैक्टर उच्च होगा, पावर फैक्टर, ठीक है। तो जब आप एसी थ्योरी पढ़िएगा उसमें पावर फैक्टर आता है, एसी में पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर जो होता है देखिए तीन परिपथ होता है, एक हो जाता है आपका रेजिस्टेंस वाला, एक हो जाता है इंडक्टेंस और एक हो जाता है कैपेसिटेंस, तीन परिपथ होता है, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें आपका पावर फैक्टर वन रहेगा, इंडक्टेंस में जब जाइएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि लैग करता है, लैग करता है यानी कि माइनस में चला जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटेंस में जब जाइएगा तो इसमें प्लस में चला जाता है, प्लस यानी कि लीडिंग इसको बोला जाता है, ठीक है, लीडिंग बोला जाता है। देखिए एक होना चाहिए हमेशा, ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, पावर फैक्टर का मान हमेशा जीरो से एक के बीच रहता है, याद रखिएगा पावर फैक्टर का मान हमेशा जीरो से एक के बीच रहता है, ठीक है, एक से बढ़ेगा भी नहीं कम ही होगा, अगर बढ़ रहा है तो वो भी माइनस में माना जाता है, तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ रहा है तो प्लस में 0.8 0.9 जितना होगा वो, मतलब एक से ज़्यादा कभी भी पावर फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए कैपेसिटर वाला जो परिपथ होगा उसमें पावर फैक्टर क्या रहेगा, उच्च रहेगा, तो यही वो है सैडेड पोल, स्प्लिट फेज कैपेसिटर, रन टाइप कैपेसिटर टाइप। तो देखिए कैपेसिटर रन टाइप जो होता है उसमें क्या होगा, आपका हाईएस्ट पावर फैक्टर रहेगा, ठीक है। जब मोटर पढ़िएगा उसमें आपको कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट दो प्रकार का होता है, कैपेसिटर स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट होने के बाद कैपेसिटर का सप्लाई हट जाता है, तो वो आपका पावर फैक्टर क्या होगा, उसमें लो रहेगा क्योंकि कैपेसिटर है ही नहीं। कैपेसिटर रन जो होता है, रन वाला जो कैपेसिटर रन है, तो रन वाले में क्या होता है कि हमेशा कैपेसिटर जुड़ा रहता है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, पावर फैक्टर उच्च मिलेगा। क्वेश्चन है कि शून्य भार पर प्रचालित होने से इनमें से किस मोटर की गति अधिकतम होती है। देखिए शून्य भार पर जब चलाइएगा तो आपका सीरीज मोटर जो होता है वो उसका जो स्पीड होगा बहुत ही उच्च होता है, ठीक है। देखिए डीसी सीरीज मोटर और एक एसी सीरीज मोटर भी होता है, एसी सीरीज मोटर जिसे हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर को यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं, ये एसी सीरीज मोटर होता है मगर इसे यूनिवर्सल कहते हैं क्योंकि यूनिवर्सल मोटर एसी या डीसी दोनों ही सप्लाई पर आसानी से चलेगा, ठीक है। तो जो सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है या एसी सीरीज मोटर जो यूनिवर्सल मोटर है, दोनों ही अगर इस पर लोड नहीं जुड़ा हुआ है, शून्य भार कहने का मतलब है इस पर लोड नहीं जुड़ा है, तो इसका स्पीड बहुत ही अधिक होगा। अगला है कि निम्न में से किस मशीन में स्पष्ट ईएमएफ की अवधारणा होती है। देखिए एक शब्द हो जाता है आपका बैक ईएमएफ, जिसे स्पष्ट ईएमएफ हिंदी में बोला जाता है बैक ईएमएफ, ठीक है। तो ये आपका जो डीसी मोटर होता है उसमें उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ हमेशा डीसी मोटर में उत्पन्न होता है। अगला है कि एक जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को किस नियम द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए जनरेट मोटर के लिए अगर मोटर है तो फ्लेमिंग का बायां हस्त, ठीक है, वाम हस्त इसको बोला जाता है। अगर जनरेटर है तो आपका हो जाएगा दायां हाथ, ठीक है। तो जनरेटर जो होता है इसमें आपका क्या होता है कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दाएं हाथ में ये अंगूठा हो जाता है, ये फर्स्ट फिंगर हो जाता है और ये मिडिल फिंगर हो जाता है, तीन हो जाता है, ये हो गया थंब, ये हो गया
मोर फिंगर या तर्जनी जिसे हम कहते हैं, इसे तर्जनी, ठीक है। और ये हो गया आपका मिडिल फिंगर। देखिए तो मिडिल फिंगर, तो इसमें क्या हो जाता है कि अंगूठा जो दर्शाएगा क्या, चालक के घूमने की दिशा, क्योंकि मोटर में क्या है आपका आर्मेचर घूमेगा, तो ये चालक के घूमने की दिशा दर्शाता है अंगूठा, चालक के घूमने की दिशा। तर्जनी अंगुली हमेशा आपको क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को दर्शाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को। और जो मिडिल फिंगर है ये जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जनित्र में प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा को किस नियम द्वारा दर्शाया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, नहीं ये मोटर के लिए है, फराडे का नियम, लेंज का नियम भी नहीं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमारा सही ऑप्शन है। कह रहा है कि किसी परिणाम मित्र में बुचोल रिले का कार्य किससे सुरक्षा प्रदान करना होता है। देखिए परिणाम मित्र में यानी कि हो जाता है आपका ट्रांसफार्मर, उसको परिणाम मित्र बोला जाता है, ठीक है। तो परिणाम मित्र में जो त्वरित दोष, त्वरित का मतलब होता है लाइटनिंग, लाइटनिंग कहने का मतलब है जो आकाशीय बिजली होता है उसको बोले, ये त्वरित दोष के लिए लाइटनिंग एरिस्टर का प्रयोग किया जाता है, LA लाइटनिंग एरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। परावैद्युत भंग का मतलब है इंसुलेटर खराब हो जाना, तो उससे वो अलग बात हो जाता है, इंसुलेटर इतने जल्दी खराब नहीं होता है। बाहरी दोष से भी आपका बुचोल रिले नहीं बचा पाता है। आंतरिक दोष जो होता है जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ या जो भी होता है, ज़्यादा गर्म हो गया तेल, तो उस समय भी बुचोल रिले जो है वो काम करता है। तो बुचोल रिले ट्रांसफार्मर को आंतरिक दोष से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि डीसी मोटर में कार्बन ब्रश का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो। देखिए जो डीसी मोटर होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब कम्यूटेटर पर, ये मान लीजिए आपका कम्यूटेटर है, ठीक है, कम्यूटेटर पर जब आपका ये कार्बन ब्रश जब घिसता है, घूमता है, कार्बन ब्रश स्थिर रहता है, आर्मेचर जब घूमता है, ठीक है, तो कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पर क्या करता है, घर्षण करता है, उस समय स्पार्किंग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है कि कार्बन ब्रश का जो मोटाई होता है वो बढ़ाया जाता है। मोटाई बढ़ाने का मतलब हो जाता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया, प्रतिरोध बढ़ा दिया गया, ठीक है। वही कह रहा है कि कार्बन ब्रश का संपर्क प्रतिरोध कब अधिक हो जाता है, तो ये मोटा हो जाता है, तो क्या होगा आपका स्पार्किंग कम हो जाएगा, ठीक है। तो धारा को सीमित किया जाएगा, नहीं स्फूलिंग को सीमित किया जाए। देखिए स्फूलिंग का मतलब होता है स्पार्किंग, याद रखिएगा, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन यही दिया होगा तो वहाँ देख लीजिएगा, स्फूलिंग का मतलब हो जाता है स्पार्किंग। तो कार्बन ब्रश का मोटाई बढ़ाने से क्या होता है, स्पार्किंग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ में कितने समय के लिए 1 kWh विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका जैसे मान लीजिए कि 1000 वाट का जो लोड है, 1 घंटा तक आप चलाते हैं, तब जाके आपको कितना 1 यूनिट यानी कि 1 kWh का विद्युत खर्च होता है, ठीक है। तो इसमें जो सूत्र होता है वो सीधा सीधा सूत्र होता है kWh। जैसे मान लीजिए कि 2000 वाट का जो लोड है, इसे यदि हम 5 घंटा चलाते हैं, तो हमें निकालना है कि कितना यूनिट हमारा विद्युत खर्च हुआ। सबसे पहले 2000 वाट इंटू आवर यानी कि 5, और किलोवाट में बदलने के लिए इस पर 1000 से क्या होगा, भाग देना होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, कितना हो गया 10 kWh। तो ये सूत्र ही होता है kWh। तो देखिए 1000 वाट का लोड 1 घंटा चलाइएगा तो कितना होगा, 1 kWh उत्पन्न होता है। तो 1000 वाट का 1 घंटा चलाएंगे तो 1 kWh यानी कि 1 यूनिट, इसको यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है, विद्युत खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिणाम मित्र में पूर्ण भार पर लौ हानि 600 वाट है, अर्ध भार पर लौ हानि कितनी होगी। देखिए लौ हानि यहाँ पूछा जा रहा है, तो लौ हानि जो होता है
ये फिक्स फिक्स लॉस होता है, यानी कि आपका क्या है, परमानेंट ये लॉस है, ना बढ़ेगा ना ही घटेगा, ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका लोड कितना भी बढ़े, आयरन लॉस का मान फुल लोड पर जितना है, आधा लॉस पर भी उतना ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 600 वाट। अगला क्वेश्चन है कि डीसी परिपथ का शक्ति गुणक होता है एक होता है। देखिए डीसी परिपथ में क्या होता है, डीसी में कि वोल्टेज और करंट क्या होता है कि 0 डिग्री के कोण पर घूमता है, 0 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है डीसी सर्किट में, डीसी परिपथ में, इसलिए यहाँ पर पावर फैक्टर का मान कितना रहेगा, एक रहेगा। कह रहा है कि किसी विद्युत प्रणाली में होने वाला सबसे सामान्य दोष। देखिए कहने का मतलब है जैसे कि ये आपका RYB तीनों फेज का सप्लाई जा रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा दोष क्या होता है। देखिए दोष कहने का मतलब है कि ये तीनों आपस में शॉर्ट कर जाए, या एक टूट के गिर जाए, या दो टूट के गिर जाए, या तीनों आपस में शॉर्ट हो जाए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है वो होता है एक तार, कभी कभी जैसे कि जो सप्लाई जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन का, तो इसमें से कभी कभी एक तार जो है वो टूट के और अर्थ से संपर्क नीचे गिरेगा, तो क्या होगा, अर्थ से संपर्क करेगा, ठीक है। दो तार गिरने का बहुत कम मतलब चांस होता है, ज़्यादातर आपका कोई एक वायर गिरता है। एक वायर गिरा, जमीन से संपर्क किया, आपका वहाँ पर रिले सेंस करेगा, रिले जो लगा हुआ रहता है, और वो अपना आपका जो लाइन है वो ट्रिप कर जाएगा, VCB ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो वही है एकल लाइन से भू, सही बात है, दोहरी लाइन कभी कभी होता है, दोहरी लाइन से भू भी बहुत रेयर केस होता है। तीनों फेज सटने का मतलब है ये तीनों कब सटेगा, जब मान लीजिए कि आंधी तेज हो या किसी चीज़ से इसको सटाया जाए तब होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मामला में होता है एक लाइन जो होता है, यानी कि एक फेज वायर जो है वो टूट कर नीचे गिर जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।